अरे हाँ हाँ मम्मी, मेरी पूरी तैयारी हो गई है। सुबह दही चीनी खा लिया था ना? मम्मी ये दही चीनी वगैरह खाने से ना कुछ नहीं होता। आई एम रियली सॉरी, आपको लगी तो नहीं? क्या सॉरी, देख कर नहीं चल सकता है? I'm really sorry for that. मैं actually फोन में थोड़ा बिजी। तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लड़की देखने की छेड़ने आ जाते हैं। नहीं नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था मेरा। क्या हुआ मैडम? कोई नई बात तो है नहीं ना, मैं जा रही थी और उसने मौका देखा और आकर मुझे टक्कर मार दी। क्यों बे, क्या कह रही है मैडम? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैम को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? देखिए मेरे पास अभी इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहा हूँ। जो भी कुछ हुआ आई एम रियली सॉरी उसके लिए। ओ, तुझे क्या लगता है तू यार लड़की छेड़ के चुपचाप निकल जाएगा और तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा? अरे हैं, अगर आइंदा यहाँ दिखाई दिया ना तो तुझे पुलिस में दे दूंगा, समझा? निकल यहाँ से। Pooja, yes. Your turn is next for the interview. Okay. Can I come in, sir? Come in. तुम बैठो। सुबह जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। अपने झूठा सॉरी ना अपने पास ही रखो। नहीं नहीं सच में, अगर तुम इतना ही सॉरी फील करती ना तो उस वक्त मेरी बात सुन लेती और तुम्हारी वजह से वो बेवकूफ़ आदमी मुझे थप्पड़ नहीं मारता। और तुमने तो बोल दिया कि लड़का मुझे छेड़ रहा था। सर वो चलो मान लेते हैं कि मैं देखकर नहीं चल रहा था, पर तुम तो देखकर चल रही थी ना, तो हम टकराए कैसे? इसका मतलब तो साफ यही निकल के आता है कि तुम भी देखकर नहीं चल रही थी, है ना? और मैं तो अपनी गलती भी मान रहा था, तुमने तो वो भी नहीं मानी। अगर उस समय तुम अपनी गलती मान लेती ना तो दोनों सॉरी बोलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर नहीं, तुम लड़कियों को तो सिर्फ यही लगता है कि लड़के तुम्हें सड़क पर छेड़ने के लिए निकलते हैं। अपनी ना ये बैकवर्ड थिंकिंग ना बदलो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे दिमाग से काम लेना चाहिए था। सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सर प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए, प्लीज़ बिना इंटरव्यू लिए मुझे ऐसे रिजेक्ट तो मत करिए। सो सॉरी व्हाट हैपन अर्लियर, आई विल कंसीडर एवरीथिंग यू टोल्ड मी। लिसन, मुझे अपनी कंपनी के लिए ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो समझदारी से डिसीजन लें, तुम्हारी तरह तैश में आकर नहीं। तो तुम्हारा ये इंटरव्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर प्लीज़ सर, यू कैन लीव नाउ। और आप भी सुन लीजिए, हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.